इग्निशन करते हैं गाड़ी का ऑन। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है इन केस ऑफ कोलिजन, ये आपको बहुत। फोर्ड इको स्पोर्ट, ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। सबसे पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। तो ये हमें इसकी कीज़ मिल रही है कुछ ऐसी। बैक साइड में आपको फोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे इसका लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है। तो जैसे आप इसको अनलॉक करोगे इसकी जो DRLs है वो ग्लो कर जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंजन, ओपन करते हैं इसका इंजन बे। तो ये ऐसे हो जाता है ओपन। यहाँ आपको मिल जाता है इसमें सबसे पहले इंसुलेशन देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी की हीट और इंजन नॉइज़ को रिड्यूस करता है। इसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 122 BHP की पावर और 149 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये इंजन की प्लेसमेंट कुछ ऐसी की गई है कि जो गाड़ी की बॉडी है और इंजन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है इन केस ऑफ कोलिजन, ये आपको बहुत ही सेफ रखता है। पीछे भी आपको यहाँ थोड़ी बहुत पैडिंग एंड इंसुलेशन देखने को मिलेगी जो इंजन नॉइस को कैबिन में आने से रोकती है। तो ये था इसका इंजन, करते हैं गाड़ी की और बात। तो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। सबसे पहले यहाँ आपको मिलती है फोर्ड की ब्रांडिंग। तो ये है फोर्ड की बैजिंग यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे ब्रश फिनिश में, ग्लॉसी फिनिश में आपको इसकी ग्रिल देखने को मिलती है, दो लाइंस दी गई है। ये है फ्रंट ग्रिल और नीचे एक और छोटी सी ग्रिल दी गई है। बीच में आपकी यहाँ पे लग जाती है लाइसेंस प्लेट। नीचे ये स्किड प्लेट दी गई है जो इसका अप्रोच एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। और नीचे अंडर बॉडी आपको दिख रहा होगा कैसा लग रहा है ये। तो ये मिल जाते हैं आपको इसमें DRLs। फ्रंट आपको मिलता है एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प और दूसरा नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया है। नीचे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर और फॉग लैंप, और जो लाइट का फ्लो मिल रहा है आगे वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। गाड़ी की प्राइसिंग की बात की जाए तो ये स्टार्ट होती है 7,99,000 बेस वेरिएंट से, और टॉप वेरिएंट की जाती है 11,49,000 एक शोरूम प्राइस। और ये अभी हमारे सामने है पेट्रोल स्पोर्ट्स वेरिएंट टाइटेनियम, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 10,99,000। ये आपको इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी गाड़ी लगती है साइड से भी देखने में। तो काफ़ी अच्छा लुक्स मिल रहा है आपको। इसकी जो लेंथ है वो 3.9 मीटर की दी गई है और व्हील बैलेंस इसका 2.5 मीटर का हमको देखने में मिलता है। तो मतलब अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल रही है। और ये आगे इसके व्हील्स के 16 इंच के ड्यूल डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिनका टायर सेक्शन है 205/50 R16। तो फ्रंट में आपको मिलती है डिस्क ब्रेक्स और रियर में मिलती है आपको ड्रम ब्रेक्स। फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलते हैं मैकफर्सन और रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिलती है। ये है इसके ORVMs, ऊपर आपको मिलता है बॉडी कलर्ड और नीचे आपको ब्लैक में मिल रहा है। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है और ये है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM इसका। नीचे आपको पडल लैंप का भी ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी कम मिलता है इस सेगमेंट की गाड़ियों में। साइड की क्रीजेज आपको दिख रही होंगी, ये जो क्रीजेज है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और ये ब्लैक कलर है तो जो क्रीजेज है इसकी वो दूर से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बॉडी कलर डोर हैंडल यहाँ पे आपको देखने में मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील है डोर ओपनिंग एंड क्लोज करने का। बी पिलर आपको यहाँ ब्लैक में दिया गया है, पियानो ब्लैक में, और सेम यहाँ पर भी इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। ऊपर मिल जाती है आपको ये रूफ रेल्स, ये वर्किंग रूफ रेल्स है जो 50 kg का लोड कैरिंग कैपेसिटी रखती है, और ऊपर आपको यहाँ सनरूफ भी दिया गया है। और ये इसके रूफ़ का डिज़ाइन। और अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर आपको एंटीना देखने को मिल रहा है, और ये है रियर स्पॉयलर विद इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप। ये मिल जाता है आपको इसमें रियर डिफॉगर एंड वाइपर। स्पेयर व्हील है जो यहाँ पे माउंट किया गया है ये, तो ये काफ़ी अलग लुक प्रोवाइड करता है जो इस सेगमेंट की कार्स आती हैं। ये जो स्पेयर व्हील्स है ये भी डायमंड कट अलॉय व्हील में दिया गया है। इसका टायर सेक्शन है 205/60 R16। तो सेम टायर साइज दिया गया है इसका भी। यहाँ पे आपको फोर्ड और इको स्पोर्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, और इस साइड में आपको टाइटेनियम S की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। ये रेड कलर में दिया गया है, ऐसा ही रेड कलर आपको नीचे दिख रहा होगा तो उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से आपको मिलता है ये हैंडल ओपन करने का, सेम ट्रीटमेंट आपको दूसरी साइड दिया गया है लेकिन ये लाइट में इंटीग्रेटेड है। और ये वाला जो आपका है इससे आप यहाँ पे बटन दिया गया है तो इसको प्रेस करोगे तो आपका जो बूट है ये ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें हमको मिल रही है 352 लीटर्स की बूट स्पेस। ऊपर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, काफ़ी यूज़फुल है ये पार्सल ट्रे आपके जो इजी एसेस के सामान के लिए। बूट स्पेस भी काफ़ी यूजेबल रखी गई है, एक्स्ट्रा मैटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और जैसे कि इसका स्पेयर व्हील ऑलरेडी पीछे दिया गया है तो नीचे आपको ये कवर्ड मिल जाएगा,
ये अलग शेल्फ दिया है यहाँ पे लगाने के लिए, पीछे एक लाइट मिल रही है, और दूसरी साइड यहाँ ग्रॉसरी हुक दिया गया है, ये इसके हाइड्रोलिक जैक्स दिए गए हैं। करते हैं इसको क्लोज। नीचे जगह मिल रही है लाइसेंस प्लेट के लिए, और चार पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और मिलता है इंटीग्रेटेड रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ से आपको इसके अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और अंडर बॉडी जो सामान मिल रहा है वो सब आपको दिख रहा होगा इसके नीचे से। लेफ्ट साइड में मिल रहा है फ्यूल लिड, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 52 लीटर्स की। और यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, 200 mm का हमको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। साइड जो यहाँ पे मटेरियल है, साइड पे यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल रही है, इसमें ब्लैक कलर है तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है ब्लैक से। रियर सीट्स पे चलते हैं तो ये आपको डोर ओपनिंग यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिलती है। डोर ओपनिंग अच्छी खासी वाइड है, गाड़ी की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। ब्लैक इंटीरियर्स के साथ मिल रही है आपको ये गाड़ी। यहाँ पे आपको अनलॉक हैंडल देखने को मिल रहा है, ये है पावर विंडो का बटन, यहाँ पे छोटा सा टच दिया गया है आपको, क्रोम का टच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है यहाँ पे, ऑरेंज कलर की लाइनिंग आपको पूरी गाड़ी के इंटीरियर्स में देखने को मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल, यहाँ पे बॉटल स्पेस, यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर, तो इसमें 6 स्पीकर सिस्टम दिया गया है विद 2 ट्विटर्स। फ्लैट बेंच सीट्स दी गई हैं। ये आपकी आ गई पार्सल ट्रे, ऊपर एक लाइट मिल रही है आपको, काफ़ी अच्छी जगह प्लेस की गई है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और ये मिल रहा है आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। तो यहाँ आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती है। ये सीट्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सीट्स का डिज़ाइन दिया है, यहाँ पे भी आपको ऑरेंज लाइनिंग और स्टिचिंग भी आपको ऑरेंज में देखने को मिल जाएगी। लेदर एंड फैब्रिक का यूज़ किया गया है इसकी सीट्स में। तो अब सीट्स में बैठ कर देख लेते हैं। तो सिटिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मेरे को ये गाड़ी बैठने में। मैं हमेशा टाटा की कार्स की जो सीट्स होती है उनकी अच्छाई करता हूँ, बट इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, बहुत कंफर्टेबल है। और 3 लोगों का बैठना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो 3 लोग बहुत इजीली बैठ सकते हैं। विंडो ओपनिंग बड़ी है तो आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। इवन यहाँ आपको सनरूफ भी मिल रहा है, और विंडो ओपनिंग तो आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग दिख रही है, 6 एयरबैग्स आते हैं, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया यहाँ पे। ये आपकी नी रूम यहाँ पे इतनी मिल रही है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ आपको हेडरूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी पीछे आपको जो हम्प दिया गया है ये भी बहुत छोटा है तो थर्ड पैसेंजर इजीली बैठ सकता है। यहाँ आपको मिल जाएगा की इंसर्ट, और ये है इसका अनलॉक हैंडल। यहाँ आपको मिलते हैं रिक्वेस्ट सेंसर्स, काफ़ी अच्छी जगह प्लेसमेंट की गई है। जैसे आप गाड़ी लॉक कर देते हैं तो ORVMs हो जाते हैं क्लोज, और इसमें बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट की गई है। ये शायद सेगमेंट वाइज काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है, जैसे आप इसमें यहाँ हाथ लगा देते हो तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है और ORVMs अपने आप ओपन हो जाते हैं, एंड लॉक होने पे ये क्लोज़ हो जाते हैं। तो अब गाड़ी ओपन करके देखते हैं। बहुत ही वाइड ओपनिंग यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी, गाड़ी के अंदर जाना इतना ज़्यादा ईजी है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, 200 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रही है। ये आपको मिलता है यहाँ बॉटल होल्डर, स्पीकर, ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स, ऑटो वन टच अप एंड डाउन के साथ आपको ड्राइवर साइड की विंडो देखने को मिलती है, और ये आ गए आपके ORVM के कंट्रोल्स। ORVM में आपको हीटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये ब्लैक कलर का मटेरियल दिया गया है, आर्मरेस्ट पे थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। और ये आगे इसकी सीट्स, 8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती है आपको इसकी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ, और 6 वे आपकी पैसेंजर सीट्स मिलती है विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट। हेडरेस्ट आपको लेदर के दिए गए हैं, तो लेदर एंड फैब्रिक दोनों का यूज़ किया गया इसकी सीट्स में। बकेट सीट्स आपको देखने को मिलती है विद एम्पल अमाउंट ऑफ साइड स्पेस। तो गाड़ी के अंदर चल के बैठ के देखते हैं। नीचे आपको यहाँ पे फुट रेस्ट और ये 3 पैडल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है। पैडल्स पे आपको यहाँ पे क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा, और नीचे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है जो कि 7 कलर्स में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ आपको थोड़ी स्पेस मिल रही है कुछ सामान रखने के लिए। कीज़ मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ इसकी, तो कीज़ आपने देख ली है। कीज़ को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी को इग्निशन करते हैं गाड़ी का ऑन। तो यहाँ पे ये 2 डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं, तो ये आपको सारे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स है इसमें। जैसे आप किसी टनल में जाते हैं या
डार्कनेस होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो ये लाइट्स आपकी ऑन हो जाती है। तो ये सारे लाइट्स के कंट्रोल हैं। और ये आ गया इसका स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे ऑरेंज स्टिचिंग की गई है। यहाँ आपको सारे मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, तो यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, मेन्यू में आ सकते हो, आपकी जो लो फ्यूल वार्निंग वगैरह सब यहाँ दिखा देगा ये आपको, ट्रिप मीटर भी आपको दिखा देगा, टेम्परेचर दिखा देगा करंट। और यहाँ आ जाता है सारे मीडिया कंट्रोल्स, आपके कॉल कट एंड रिसीव के बटन। इस साइड पे दिया गया आपका क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन विद लिमिट सेटर, आप इसकी स्पीड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ग्रिप दी गई है स्टीयरिंग की। यहाँ पे आपको ये सारे मिल जाते हैं लाइट्स के कंट्रोल, और यहाँ ये मिल रहा है आपको सारे वाइपर के कंट्रोल्स। तो इसमें आपको मिल जाता है रेन सेंसिंग वाइपर्स, यहाँ पे सेंसर दिया गया है, बारिश पड़ते आपके जो वाइपर्स हैं वो हो जाते हैं ऑन। ये है इसका सेंटर कंसोल, कुछ ऐसा है देखने में, ड्यूल टोन का यहाँ यूज़ किया गया है, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया है। तो ये आपको मिलती है 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले इसमें। नीचे ये सारे आपके मीडिया कंट्रोल्स आ गए, यहाँ पे ये आपके एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हैज़र्डस स्विच दिया गया है। नीचे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एसी, इसका दो दिए गए हैं यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स, और इनमें आपको एल्यूमिनेशन मिल जाता है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ गया। यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है आपको अपना सामान वगैरह या फ़ोन रखने के लिए। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। ये 5-स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है मैनुअल इसमें। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक दी गई है, ये स्पेस आपकी है चाबियाँ रखने के लिए, कीज़ रखने के लिए। यहाँ भी थोड़ी सी स्पेस है कॉइन वगैरह रखने के लिए। तो सॉफ्ट मटेरियल के साथ कवर्ड किया गया है इसका आर्म रेस्ट, ये मिलता है आर्म रेस्ट इसका। आगे पीछे स्लाइड नहीं होता, इसको ऊपर कर सकते हो, और बहुत ही डीप स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है आपको यहाँ देखने में इसमें। और एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, ये 2 ट्विटर्स हैं, और ये इसका लॉक एंड अनलॉक का बटन यहाँ मिलता है आपको। ये मिलता है आपको इसमें ग्लव बॉक्स, यूजेबल स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा कंपार्टमेंट दिया गया, और ये स्पेस दी गई आपके बाकी सामान रखने के लिए। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया यहाँ पे। ये मिलता है आपको ऑटो डिमिंग के साथ इसका IRVM, यहाँ पे इसकी लाइट्स मिलती है। ये आ गया आपका सनग्लासेस के लिए, ये आपको मिल रहा है ड्राइवर साइड सन ब्लाइंड, और यहाँ पे मिलता है पैसेंजर साइड विद वैनिटी मिरर, और यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन भी मिलता है आपको। ऊपर दिया गया है सनरूफ, तो सनरूफ है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सन, जो आपका सन ब्लाइंड है ये मैनुअली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ से, बट सनरूफ आपका पूरा खुल जाता है इन बटन से। और ये मिल रहा है आपको इसका स्पीडोमीटर, और लेफ्ट साइड में दिया गया टैकोमीटर, तो ये दिया गया एनालॉग, बीच में छोटी सी आपको डिस्प्ले मिल रही है। तो ये थी फॉर्ड इको स्पोर्ट, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस रेड बटन की तरह आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।